हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने साइंस के सेकंड चैप्टर के जो लास्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन, उसकी उसके जो दो टेक्निक्स हैं, ठीक है, मॉइस्चर कंट्रोल और केमिकल यूजेस, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो आखिरी बचेगा आपका फिजिकल मेथड, वो हम लोग इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि मॉइस्चर कंट्रोल और केमिकल यूज़ टेक्निक का यूज़ करके हम कैसे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा, हर चीज़ में क्या होता है, वाटर की कुछ ना कुछ क्वांटिटी होती है, ठीक है, जिसके कारण उसमें मॉइस्चर रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज़ में से मॉइस्चर को रिमूव कर देते हो, ठीक है, किसी सब्सटेंस से या पदार्थ से मॉइस्चर को रिमूव कर दिया जाए, तो वो जो प्रोसेस होता है रिमूव करने का, उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। और जब आप किसी आइटम से या सब्सटेंस से आप वाटर को रिमूव कर देते हो या मॉइस्चर को रिमूव कर देते हो, तो इससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। तो यानी मॉइस्चर का बड़ा रोल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में, ठीक है। तो इस तरह से मॉइस्चर को हटाने से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। अब ये जो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस, यानी वाटर को रिमूव करने का या मॉइस्चर को रिमूव करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, इसमें दो तरह के दो मेथड होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और एक होता है कमर्शियल मेथड, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, जैसे जिस भी पदार्थ से हमें वाटर या मॉइस्चर निकालना होता है, उसे हम धूप में रख देते हैं, वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, ठीक है, और उसमें मॉइस्चर निकल जाता है। इसी तरह से कमर्शियल मेथड में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जिस भी पदार्थ को टनल ड्राइंग में रखते हैं और एयर, हॉट एयर, गर्म हवा को उसमें जो है सेक्रेट करते हैं, या फिर रोलर ड्राइंग या स्प्रे ड्राइंग का यूज़ करके भी हम मॉइस्चर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सेलरेट फ्रीज ड्राइंग इन विच द मटेरियल इज़ फ्रोजन अंडर द हाई वैक्यूम। इसके अलावा एक और भी तरीका होता है मॉइस्चर कंट्रोल करने का, हम क्या कर सकते हैं, फ्रीज ड्राइंग का यूज़ करके किसी भी मटेरियल की को एक्सेलरेट कर सकते हैं, यानी उसको हम हाई वैक्यूम पे जमा सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही जमाएंगे तो जो आइस या दूसरे जो फ्रोजन सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है, घुलने वाले पदार्थ होते हैं, वो तेज़ी से उस सम लाइन को अपने अंदर घोल लेंगे और क्या बनाएंगे, पोरस सॉलिड रिमेंस बच के रह जाएगा आखिर में। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मॉइस्चर कंट्रोल करके भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। दो मेथड हैं, डिहाइड्रेशन ट्रेडिशनल और कमर्शियल, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट जो टेक्निक है फूड प्रिजर्वेशन का, केमिकल चेंज, ठीक है। तो केमिकल चेंज क्या होता है, देखो बेटा, ऐसे पदार्थ जब आप किसी पदार्थ का इस्तेमाल ये देखने के लिए करते हो कि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जिनको ये फूड आइटम में इसलिए मिलाया जाता है या इस तरह से इसलिए रखा जाता है ताकि ये पता चल सके कि जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है उसको रोकने के लिए या कम करने के लिए जो सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है उसे हम प्रिजर्वेटिव कहते हैं। अब कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे आपका हो गया सॉल्ट, हो गया शुगर, हो गया या ऑयल या विनेगर हो गया, तो ये तीन तरह के प्रिजर्वेटिव होते हैं, ठीक है, जिनका इस्तेमाल माइक्रोबियल ग्रोथ को फूड आइटम में चेक करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले कौन है, सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट क्या है, सॉल्ट हैज़ अ यूनिक क्वालिटी, सॉल्ट की बहुत खास बात है, क्या खास बात है कि ये मेक्स वाटर अनेबल फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है, कि ये जो मेक्स जो किसी भी पदार्थ में माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए जो पानी होता है उसको, उस पानी को या उस मॉइस्चर को ये क्या कर देते हैं, उन माइक्रोब्स के लिए अनअवेलेबल कर देते हैं, यानी अनुपस्थित कर देते हैं, मतलब उसको उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये सॉल्ट की क्वालिटी होती है कि वो जिस भी पदार्थ में रखा जाता है वो उसमें से वाटर को अनअवेलेबल कर देता है, जिससे उनकी माइक्रोबियल ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। उसके बाद जो सॉल्टिंग है, यानी जो किसी भी पदार्थ में नमक मिलाना है, क्या जो प्रोसेस है उसका इस्तेमाल जो है आंवला
या कच्चे जो आम होते हैं या फिर जो टैमेरिंड होता है यानी इमली होती है, मीट होता है, मछली होती है, इन सब को काफ़ी लंबे समय तक चलाने के लिए फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में जो है आप सॉल्ट का इस्तेमाल करते हो। अब हमारा अगला जो प्रिजर्वेटिव है वो कौन है, वो शुगर है। ठीक है, तो शुगर क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है अगला, शुगर। शुगर क्या है, शुगर बिल्कुल जो है वो सॉल्ट की तरह ही काम करता है। इसमें हम क्या करते हैं फूड आइटम में जैसे कि जेलीज हो गया, जैम हो गया, स्क्वैसेस हो गया, इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनको कई दिनों तक चलाने के लिए, केक बहुत टाइम्स के लिए चलाने के लिए हम क्या करते हैं इसमें शुगर ऐड करके क्या कर सकते हैं, हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है शुगर। अगला हमारा प्रिजर्वेटिव क्या है, ऑयल एंड विनेगर। ठीक है, तेल या विनेगर यानी सिरके का इस्तेमाल करना। ठीक है, जो ऑयल या और विनेगर होता है उनका इस्तेमाल जो है होता है पीएच को डाउन करने के लिए होता है। ठीक है, पीएच को डाउन करने के लिए होता है बिलो द नॉर्मल ग्रोथ रेंज ऑफ मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस पीएच पे काम करते हैं उससे नीचे करने के लिए जो है उससे ब्लो करने के लिए जो ऑयल और विनेगर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऐसे एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाते जहाँ पे पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो ये जो ऑयल या विनेगर होता है इनका इस्तेमाल ज़्यादातर जो अचार होते हैं, ठीक है, या विनेगर होते हैं उनका इस्तेमाल जो है अचार को जो अचार होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। और ये जो मेथड होता है विनेगर से जो अचार को प्रिजर्व किया जाता है उसे पिकलिंग कहा जाता है। तो आपने देखा होगा घर में मम्मी कोई सामान आम अचार उचार लेते उसमें देखना तेल खूब भरा रहता है ताकि वो क्या हो उसमें माइक्रोब्स ना लगे, कई दिनों तक चले, साल भर या 8 महीने 10 महीने तक वो चल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारे मॉइस्चर कंट्रोल और आपका केमिकल यूज़ ये दो जो टॉपिक थे वो आज ख़त्म हो गए। और आखिरी और अंतिम टॉपिक फिजिकल मेथड है प्रिजर्वेशन का, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।